क्लास में हम पावर पॉइंट में एनिमेशन ऑप्शन के बारे में जानेंगे। एनिमेशन ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं किसी एलिमेंट पर, और इसके लिए अलग से एक टैब बना हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कस्टम एनिमेशन का एक ऑप्शन होता है। कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते ही राइट साइड में आपको इसके सारे ऑप्शंस और इसके टूल्स दिखाई देने लगेंगे। आज हम देखेंगे कि किन किन टाइप के एनिमेशन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड को ऐड करने के लिए हमें होम टैब पर जाना होता है। होम टैब पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन है। न्यू स्लाइड के ऑप्शन पर जाते ही आपको काफ़ी सारे स्लाइड की थीम्स जो है डिस्प्ले होंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, कंपैरिजन स्लाइड्स, इस टाइप की कुछ स्लाइड के टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। आप यहां से ब्लैंक स्लाइड को भी इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक स्लाइड को इंसर्ट करने पर इसमें कोई भी कंटेंट जो है वो नहीं होता है, इसे हमको खुद ब खुद मैन्युअली डिजाइन करना होता है। तो आइए देखते हैं कि एक एनिमेशन हम यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले हम कार के ऊपर कोई एनिमेशन लगा के देखेंगे। तो हमें यहाँ पर कार का कोई इमेज लाना है। उसके लिए हमारे पास पहले से ही यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को आप इंसर्ट टैब पर जा करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर देखिए क्लिप आर्ट का ऑप्शन विंडो यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा, और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कार लिखकर। आप जैसे ही यहाँ पर कार लिखेंगे और गो पे क्लिक करते ही आपको अलग अलग टाइप की कार्स यहाँ डिस्प्ले होने लगेंगी। किसी एक कार को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐड करने के बाद आप उनकी डिज़ाइन में यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे उनका ब्राइटनेस वगैरह आपको सेट करना है, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले कार की एनिमेशन तैयार करने के लिए कार को हम लेफ्ट साइड में रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्लाइड के बाहर भी रख सकते हैं। तो बाहर रखने से और अट्रैक्टिव एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। वो स्लाइड के बाहर से जो है स्लाइड एंटर करेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ रोड मैप वगैरह डिजाइन करना है, तो उसके लिए आपके पास शेप ऑप्शन भी है इंसर्ट टैब में। आप यहाँ पर देखेंगे कि शेप ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पर एक रोड जैसा कुछ डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा डिजाइन करने के लिए हम सिंपल एक लाइन का यूज करेंगे, या फिर इस टाइप के एरो का भी यूज कर सकते हैं। तो आप एरो का यूज करके भी, वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा डिजाइन तैयार कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल एरो का डिजाइन ले लेता हूँ और इससे एक इस तरीके का डिजाइन तैयार कर लेते हैं हम। डिजाइन तैयार करने के बाद आपको इसका लुक ऐसा देना होगा जैसे ये किसी रोड का लुक है। मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया है, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका जो एरो वाला पार्ट है वो स्क्रीन के बाहर है। इसका मतलब स्क्रीन पर सिर्फ ये दिखाई देगा, और साथ ही साथ ये जो कार दिख रही है ये एरो के पीछे चले गई है, इसलिए इस पर राइट क्लिक करना है आपको, और आपको इसको एडजस्ट करना है इस इमेज के ऊपर, या फिर इस पर आप राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर सकते हैं। सेंड टू बैक करने पर वो जो एरो का इमेज था वो कार के पीछे चले गया, और कार की जो इमेज थी वो सामने आ गई है। दिखने पर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल ही रोड के ऊपर खड़ी है। ये इसके लिए थोड़ा सा ड्राइंग इफेक्ट का भी ध्यान देना होता है, और ड्राइंग की क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो रोड है इसका कलर भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली रोड का कलर जो है ब्लैक होता है या ब्लैकिश होता है, तो उस टाइप के कोई कलर्स को आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बीच में डिवाइडर के लिए या डिवाइडर रोड को डिवाइड करने के लिए कुछ वाइट कलर के मार्किंग भी होती है, उसको भी आप यहाँ पर छोटी छोटी मार्किंग्स कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक मार्किंग कर देते हैं,
और इस मार्किंग के लिए करने के बाद आप इसका कलर जो है वाइट सेट कर लीजिए, या वाइट जैसा कुछ कलर आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्किंग करना है तो और भी आपके पास शेप्स हैं मार्किंग करने के लिए, जैसे आपके पास यहाँ पर सिंपल शेप दिख रहा है, ये इस सारे, ये सारे टर्न के शेप हैं, टर्न करना है आपको या नहीं करना है उस टाइप के शेप आपको बनाने, तो आप बना सकते हैं। मार्किंग करने के बाद आप यहाँ पर इसको दोबारा कॉपी करिए और पेस्ट कर लीजिए, और इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। दो तीन को एक साथ भी आप कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल दबाकर, और तीन तीन की एक साथ कॉपी भी कर सकते हैं ताकि ये काम जल्दी हो जाए। अब हमारा जो रोड मैप है और कार है वो तैयार हो गई है। इसको एक बार हम अगर प्ले करें तो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये स्लाइड शो में जाकर के हमें प्ले करना होता है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी पहली स्लाइड डिस्प्ले होगी फिर दूसरी स्लाइड डिस्प्ले होगी। हमारी जो एनिमेशन है वो सेकेंड स्लाइड में है। अगर मैं करंट स्लाइड से करता हूँ प्ले, आप देख रहे हैं करंट स्लाइड का भी ऑप्शन है, इसका मतलब जो स्लाइड ओपन है वही ओपन होगी, यानी वही रन हो जाएगी। तो मैं इसको फ्रॉम करंट स्लाइड कर देता हूँ, इसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F5। तो आप देखिए यहाँ पर हमारा जो स्लाइड है वो डिस्प्ले हो रहा है, कार जो है वो स्लाइड के बाहर है इसलिए अभी डिस्प्ले नहीं हो रही, और ये कुछ कुछ रोड जैसा हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, स्लाइड हमारी एंड हो गई है। अब हम एनिमेशन लगाते हैं, कार के ऊपर एनिमेशन कैसे लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले हम कार को सेलेक्ट करेंगे, कार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमको एनिमेशन टैब पर जाना होगा। एनिमेशन टैब पर जाने के बाद कस्टम एनिमेशन ऑप्शन पर जाना होता है। कस्टम एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम एनिमेशन का टास्क पेन यहाँ डिस्प्ले होगा, और इसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ये ऐड इफेक्ट, आप देख रहे हैं ऐड इफेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐड इफेक्ट में जाएंगे, आपको कार को मूवमेंट कराना है तो आपके लिए मोशन पाथ वाला जो ऑप्शन है ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि मोशन पाथ में कई टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप यहाँ पर ड्रॉ कस्टम पाथ इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। ड्रॉ कस्टम पाथ लेने पर आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं कि आपका पाथ क्या होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम कस्टम पाथ को ड्रॉ करेंगे, और कर्व वाला जो ऑप्शन है या लाइन वाला ऑप्शन है वो भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं कर्व वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कर्व वाला ऑप्शन है इसमें हमको ड्रॉ करना होगा कि हमारी कार कहाँ मूव करेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कार के पास अपना माउस पॉइंटर रखना है, और यहाँ पर इसकी मूवमेंट का पाथ जो है ड्रॉ कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कार है वो स्क्रीन के बाहर से इस राइट लेफ्ट साइड पर स्क्रीन के बाहर की ओर जाना चाहिए, ताकि इसका जो फ्लो है काफी अच्छा हमको दिखाई देगा। ये मैंने इसका पाथ जो है वो ड्रॉ कर दिया है, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब मैं इसको प्ले करूंगा, फिलहाल तो अभी यहाँ पर आप पाथ को ड्रॉ करने के बाद आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये पाथ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे प्ले वाला जो ऑप्शन है इसके द्वारा आप यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है वो कार के ऊपर आ रही है, तो कार को यहाँ पर फिर से हमें सेलेक्ट करके या इन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, और या फिर इन कार का जो पोजीशन है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं,
तो इस तरीके से कार लाइन के ऊपर चलती हुई दिखेगी। अभी भी थोड़ा सा नीचे है, इसको फिर से हम एडजस्ट करेंगे, कार को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। तो इस तरीके से कार हमको मूव करती हुई यहाँ पर दिख रही है। कार मूव करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी हुई है, जैसे यहाँ पर स्पीड स्पीड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर स्पीड सेट कर सकते हैं कार की। आप यहाँ पर वेरी स्लो करने पर कार जो है काफ़ी धीरे धीरे आपको चलती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्पीड सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जैसे क्लिप आर्ट में जाकर के आप ट्री वाला जो ऑप्शन है, ट्री को सर्च करिए और एक ट्री इंसर्ट कर दीजिए, तो रोड या आपका जो इमेज है उसको और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। साथ ही साथ जो भी ऑप्शन आप यहां पर ऐड करेंगे, ध्यान देना है कि जब आप उस नए ऑप्शन को ऐड करते हैं तो वो ऑप्शन सामने की ओर आता है। सामने की ओर आने का मतलब है कार जब यहां से गुजरेगी तो कार के सामने ये पेड़ दिखाई देगा हमको। अब यहां पर देखिए, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। देखिए कार उसके पीछे से गुजर गई है, तो ये जो ऑप्शन है ये तब आपको अच्छे से अप्लाई करने मिलेगा जब ये ट्री इस तरफ आप रखते हैं। ट्री अगर आप यहां पर बना रहे हैं तो कार उसके पीछे से जा रही है, वो काफी अच्छा लगेगा आपको देखने से। इफेक्ट इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यदि आप ट्री राइट साइड की ओर कहीं पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप ट्री इसकी यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो कार को ट्री के सामने से जाना है, जबकि यहाँ पर इफेक्ट आप देखेंगे कि उल्टा हो रहा है, कार उस पीछे से जा रही है जो कि कोई ग्राफिक इफेक्ट को उतना अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो जो भी चीज़ आप कार के पीछे लाना चाहते हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करके सेंड टू बैक करना होगा। सेंड टू बैक करने से कार का जो लेयर है वो उस लेयर के सामने आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहां पर कोई भी अट्रैक्टिव इमेज या इस तरीके का कोई एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहां पर कुछ एरोप्लेन्स के भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, एरोप्लेन्स को भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एरोप्लेन को हम यहां पर स्क्रीन के बाहर यहां रखते हैं थोड़ा सा, या नीचे साइड एकदम रखेंगे, और इमेज को आप थोड़ा छोटा कर लीजिए तो थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखेगा आपको। स्क्रीन के बाहर यहां पर रखेंगे और स्क्रीन के बाहर से ये एरोप्लेन मूव करता हुआ यहाँ पर आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसमें भी हम एनिमेशन लगाते हैं। सबसे पहले हम एरोप्लेन को सेलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, एरोप्लेन के चारों तरफ आपको वाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, सॉरी इसको एडिट करने के लिए पहले आपको इसको स्क्रीन पर लाना होगा। फिलहाल ये एडिट करने नहीं दे रहा है आपको। चलिए यहां पर हम इस पर पहले एनिमेशन लगा लेते हैं। यहां पर आप जैसे राइट क्लिक करेंगे किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, तो आपको एडिट पिक्चर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट पिक्चर करने पर आपको कुछ मैसेज आएगा और आप इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर जो है छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूट जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये वाला जो वाइट वाला एरिया है आप इसको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से, ताकि एनिमेशन आपका और अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स को डिलीट कर दिया, सिर्फ एरोप्लेन को यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। और अब आप इस पे एनिमेशन लगा सकते हैं। एनिमेशन लगाने से पहले आप इसको
सेलेक्ट करेंगे पूरे पार्ट को, यहाँ पर यही बस बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप उसको अनग्रुप करते हैं तो एनिमेशन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पूरे पार्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो छोटा सा पार्ट जो है वो ही एनिमेट करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर फिर सेलेक्ट करेंगे मोशन पाथ, ड्रॉ कस्टम पाथ और कर्व वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमको एरोप्लेन को यहाँ से मूव करना है, तो यहाँ से हम जो इसका पाथ है वो ड्रॉ करना चालू करते हैं। पाथ को आप इस तरीके से ब्रेक कर करके बीच में जाइए ताकि ये स्मूथ कर्व बने और स्क्रीन के बाहर आपको ले जाना है, और इसके बाद डबल क्लिक कर दीजिए, आपका जो पाथ है वो यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा। साथ ही साथ आप इसकी स्पीड को थोड़ी कम कर सकते हैं या फिर वेरी स्लो ले लीजिए तो एरोप्लेन आपको इस तरीके से उड़ते हुए दिखाई देगा। तो आप दोनों एनिमेशन को एक साथ देखते हैं कि वो किस तरीके से हमको दिखाई देने वाला है। ये कार आपकी जा रही है और इसके बाद आपका एरोप्लेन जो है यहाँ से उड़ते हुए आपको दिखाई दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमेशंस को, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ले सकते हैं कि इसको कब स्टार्ट होना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने एरोप्लेन को सेलेक्ट किया है, एरोप्लेन वाले ऑप्शन को, और यहाँ पर हम विथ प्रीवियस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। विथ प्रीवियस का मतलब है कि कार वाला जो ऑप्शन चल रहा है उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका एरोप्लेन भी जो है एक साथ दोनों जो है डिस्प्ले होंगे। विथ प्रीवियस करने पर दोनों ही एक साथ डिस्प्ले होते हैं, तो मैंने विथ प्रीवियस यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर प्ले करूँगा तो क्या होगा, देखिए दोनों ही एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं, तो कार और ये दोनों आपको एक साथ डिस्प्ले होते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर एनिमेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इस एनिमेशन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस और हैं। जैसे आप यहाँ शेप पर जाएंगे तो शेप में आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर एनिमेशन, जैसे ये सन है आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, सॉरी ये उस टाइप का दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर आप इस तरीके का कोई क्लाउड यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा क्लाउड आपको दिखाना है, क्लाउड का जो कलर है वो भी आप डिसाइन कर सकते हैं यहाँ से। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो क्लाउड्स दिख रहे हैं इनका कलर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं फॉर्मेट ऑप्शन में जा करके। फॉर्मेट में आपको दिखेगा यहाँ पर कई टाइप के कलर्स हैं, जैसे इस ऐसे कलर हैं, लाइट कलर ले सकते हैं, ये आप कोई भी लाइट कलर ले लीजिए। क्लाउड दिख रहा है और आपको यहाँ पर फिलहाल जो एरोप्लेन है वो क्लाउड के पीछे से होते हुए जाते हुए दिखेगा। ये देखिए इस टाइप का आप कुछ एनिमेशन, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लिप आर्ट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। और आप यहाँ पर इंसर्ट में जाइए, काफ़ी सारे आपके आपके पास ऑप्शंस हैं जिसको आप अट्रैक्टिव तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कुछ शेप्स हैं जिसको आप यहाँ पर रोड पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आपको इस तरीके का कोई डिज़ाइन करना है जिसमें आपको ये दिखाई दे कि कार इसके बीच से होते हुए जा रही है, थोड़ा सा और क्रिएटिविटी आपको करनी होगी। यहाँ पर एक शेप और इंसर्ट करना होगा जो बैक साइड पर होगा आपके पास, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको डिज़ाइन करना होगा। पार्ट्स में डिज़ाइन करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आप इस पर राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद एडिट पिक्चर का एक ऑप्शन आता है, सबसे पहले इसको डी सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। राइट क्लिक करने के बाद एडिट पिक्चर ऑप्शन नहीं है, स्टेटस अनग्रुप का भी ऑप्शन अनेबल नहीं है, यानी हम इसको अनग्रुप भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, और
फिलहाल इसको हटा देते हैं। शेप में जाएंगे आप, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस और दिख रहे हैं आपको, इनमें से अगर कोई अट्रैक्टिव ऑप्शन आपको लगता है तो आप इसमें अप्लाई करिए और एक अच्छा खासा एनिमेशन आप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ, जैसे आपने ग्रीनरी यहाँ पर बनाई है तो एक और आपके पास क्लिप आर्ट है, आप यहाँ पर सर्च करिए काओ और इसको भी आप साथ में यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं छोटा साइज करके, जो आपको यहाँ पर आपकी इमेज को या आपकी आपका जो सीन है उसको थोड़ा अट्रैक्टिव यहाँ पर बनाएगा। इस इमेज को आपको, जब भी कोई नई चीज लाएंगे तो इसको सेंड टू बैक जरूर कीजिएगा ताकि वो उस एंगल पर दिखाई दे। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ सीनरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ कार का एनिमेशन शायद डिलीट हो गया है। ओके, कार के एनिमेशन को वापस लाने के लिए हम कंट्रोल सेट कर देते हैं। कुछ एनिमेशन शायद, यस, इसके साथ साथ कार का एनिमेशन डिलीट हो गया था, तो यहाँ पर हम इसको डिलीट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट में जाएंगे और काउ को यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर काउ को देखने के बाद आप इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, काउ को थोड़ा साइज छोटा करिए ताकि कार की अपेक्षा वो उसके साइज की दिखाई दे, और सेंड टू बैक जरूर करिए इसको। मैं यहाँ पर सेंड टू बैक कर रहा हूँ ताकि वो काउ के दूसरे तरफ या कार के दूसरे तरफ दिखाई दे। अब आप चाहें तो काउ को भी यहाँ पर एनिमेशन दे सकते हैं। यहाँ पर आपने इसको सेलेक्ट किया, एनिमेशन ऐड करने के लिए मोशन पाथ सेलेक्ट किया और कर्व वाला जो ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको इसकी ओर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ग्रीनरी की ओर थोड़ा सा या यहाँ तक आप अपने हिसाब से आपको प्ले करके एडजस्ट करना होगा और डबल क्लिक कर दीजिए तो इस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी काउ। इसको और सेंड टू बैक कर देते हैं ताकि ये काउ के भी उस साइड चला जाए। कुछ चीजें प्रॉपर सेलेक्ट नहीं हो रही है। सेंड टू बैक, काउ का जो एनिमेशन है उसको आप वेरी स्लो कर दीजिए और इसमें भी एक ऑप्शन है आप विथ प्रीवियस ये आप सेलेक्ट कर लीजिए तो आप देखेंगे कि जो एनिमेशन, तीनों एनिमेशन है वो काउ भी धीरे धीरे चल रही है, एरोप्लेन भी आ रहा है साथ साथ, इस तरीके का तीनों एनिमेशन जो है एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो तीन चार एनिमेशन के पार्ट हमने यहाँ पर अप्लाई करके उनके एक अच्छी सीनरी क्रिएट की है और ये सारा जो अट्रैक्टिव जो सीनरी क्रिएट हुई है इसके लिए जो ऑप्शन पावर पॉइंट में उपलब्ध है उसका नाम है कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन के द्वारा ही हम ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप कस्टम एनिमेशन के सारे ऑप्शंस को करके देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे एनिमेशंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ नीचे आपको मोर इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, हर ऑप्शन में एक लास्ट में एक ऑप्शन होता है जिसमें मोर इफेक्ट है और उसमें बहुत सारे और आपके पास इफेक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी अट्रैक्टिव इफेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, एक एक को आप अप्लाई करके उसको देख सकते हैं और अप्लाई करके अपना एनिमेशन काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस तरीके का कुछ एक अच्छा एनिमेशन तैयार करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको थंबनेल में या साइड पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके का एनिमेशन तैयार हुआ है। ओके, थैंक यू।